हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं ब्रेकफास्ट के लिए एक स्पेशल रेसिपी लाई हूँ जो कि झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए कोई भी झंझट नहीं करना पड़ेगा। स्प्राउट्स तो आप सभी जानते ही होंगे कि अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा में आप सभी का स्वागत है। हमने एक कप काले चने ले लिया है, काले चने और आधी क्वांटिटी में साबुत मूंग दाल ले लिया है। इसको हम भिगोने के लिए रख देते हैं। जैसे कि आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए तैयार करना है ये नाश्ता, तो आप नाइट में इसको भिगो दें तो 8 से 10 घंटे में ही अच्छे से भीग कर तैयार हो जाते हैं। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि ब्रेकफास्ट में यदि हम स्प्राउट्स खाते हैं या जैसे भीगे हुए चने या मूंग दाल, तो ये भी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। बढ़िया से अंकुरित करके भी खाएंगे तो अच्छा होगा। स्प्राउट खाने से हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और मोटापा नहीं आता हमारे शरीर पर। तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आज मैं आपको ये मिक्सचर बनाना बता रही हूँ फ्रेंड्स। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा हल्का रिफाइंड ऑयल ले लिया है ताकि हमारी ये पीनट्स थोड़ा भुन जाएं। जब ये भुन गए हैं हमारे पीनट्स, तो इसमें हल्का सा कलर देने के लिए हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और ये मुरमुरे दाना लिए हैं, मुरमुरा को इसमें मिक्स कर दिया है और इसको भी हम 2 से 3 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पर भून लेते हैं। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हल्का सा रोस्ट करना है ताकि ये हल्का रोस्ट हो जाएंगे तो इसमें कुरकुरापन आ जाएगा और अच्छा लगता है खाने में, क्रिस्पी लगने लगते हैं। 2 से 3 मिनट में अच्छे से भूनकर तैयार हो गए हैं। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा उसे पुश कर दें, फिर बेल आइकन पर जाके ऑल पर टच कर दें। अब हमने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है, बिल्कुल कहना चाहिए 1/2 टीस्पून समथिंग, और उसी में 1/4 टीस्पून सौंफ ऐड कर दिया। स्वाद के अनुसार इसमें हम हरी मिर्च को बारीक काट कर ऐड कर देते हैं। और ये जो स्प्राउट्स लिया है, ये फूले हुए चने और मूंग, इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ये बहुत जल्दी झटपट से बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। मैंने सब अलग अलग तरीके से बनाना बताया है कि कैसे आप मिक्सचर बना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम यही खाते खाते बोर हो जाते हैं। चने और मूंग दाल को आप मॉर्निंग में ऐसे ही खा सकते हैं, फूले हुए चने मूंग दाल को। और यदि आपको थोड़ा सा डिफरेंट खाने का मन कर रहा है तो इस तरीके से मिक्सचर बना सकते हैं। इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा नमक ऐड करके इसको हम स्टीम में पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट, ताकि ये जलेंगे भी नहीं और स्टीम में अच्छे से पक जाएंगे। नमक डालने से ये जल भी नहीं पाते हैं नीचे से। और ये हमने कुछ मिक्सचर तैयार करने के लिए ये बारीक काट कर प्याज ले लिया है, टमाटर और खीरा लिया है, उसमें हल्का सा नमक ऐड कर दिया। ये हमारे चने और मूंग दाल भी पककर रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नींबू ऐड कर देते हैं। नींबू ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ज़्यादा कुछ मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके पास ये पुदीना और हरी धनिया की चटनी है तो उसको ऐड कर सकते हैं, हो तो डाल दें, अदरवाइज़ इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मेरे यहाँ रखी रहती है हमेशा चटनी हरी धनिया वगैरह की, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए कितने जल्दी झटपट से बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल 2 से 3 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगा, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब इसी में हमने ये जो मुरमुरा दाना और पीनट्स है जो इसको हमने फ्राई किया था, उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। और बिल्कुल कम ऑयल में पक गया है। यदि आप चाहें तो मुरमुरा तो आप हल्का सा रोस्ट कर लें, और जैसे कि आप मूंगफली दाना पीनट्स को ऑयल में नहीं डिप करना चाहते तो आप हल्का सा रोस्ट करके उसको मैं ऐड कर सकते हैं। अब इसी मिक्सचर के ऊपर हमने चने वगैरह के ऊपर हमने प्याज, टमाटर और ये जो खीरा लिया है उसको हमने पूरे सैलेड को इसमें ऐड कर दिया है। ये सैलेड खाने से भी हमारे हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। कोई भी देखिए कितने जल्दी से ये बनकर तैयार भी हो गया है और हमारी बॉडी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, जो स्प्राउट्स हम खाते हैं, ये काले चने और मूंग दाल, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। इसको खाने से मोटापा भी नहीं आता है शरीर में, और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि अलग दूसरे खाद्य पदार्थों में नहीं पाए जाते हैं। तो आप इसका ज़रूर यूज़ करें।
आप नॉर्मली आप डेली मॉर्निंग में इस चना और मूंग दाल को खा सकते हैं, उसमें हल्का सा नमक मिलाकर, तो बहुत ही अच्छा होगा। और अच्छे से चबा चबा कर खाएँ तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब इस मिक्सचर में यदि आप हरी चटनी स्वाद के अनुसार आप इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें बनाकर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए, बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है, कोई भी चिकलस नहीं लगती है और झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा, ज़्यादा ऑयल वाला भी नहीं है, बिना ऑयल के बन जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसे बनाकर खा सकते हैं। स्प्राउट्स तो खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो भी मॉर्निंग में हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल हार्ड वर्क या वॉकिंग पे जाते हैं, जिम वगैरह, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, हेल्दी फूड है, तो इसे ट्राई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स लाइक करेंगे तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरा मोटिवेशन अप होता है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।